हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। देसी खासी मांसर झोल ए रेसीपीटे देखापी आपण मैंने मोर पूरा भिडियोटी देखु। खासी मांस पर 800 ग्राम मंस नहीं मैरिनेट कर रखी लुण हलदी। आपण मैंने भिडियो देखिपुर थे अदा आ रसुण क्वांटीटी के आपण मैंने हिसाब करे मुझे 6टा बड़ बड़ प्याज नहीं सहित 2टा कंचा लंका सहित गोटा गरम मसलार मुझे गोटा गोलमरीच ता सहित बड़ अलैच छोट अलैच दालचीनी एवं तेजपत्र सहित बड़ बड़ 4टा आलू को मुझे काटिकी साइज करके धोई के रखी। मुझे मो देशी मांस तैयारी स्टाइल मुझे अधिक धनिया एवं अल्प जीरा नौ रुचिर मीट मसला मत बहुत पसंद से नौ गोटे प्याज को मैं काटिकी ग्राइंडर जारे रखुच्छी अदा रसुण सहित कंचा लंगा को दे मुझे ग्राइंडिंग करके फास्ट रखिदेवी ता सहित गोटा धनिया और जीरा को मध्य अल्प पानी दे मिसे के ग्राइंड करदेगा। यही मिक्स ग्राइंड मसलार 1.5 चामच मुझे कौन करी से मटन जो पूर्व हलदी तेल एवं लुण जो तो मैरिनेट होता ता सहित 1.5 चामच मुझे मिक्स नहीं कि आउ थे से मटन सहित भल भाव गोल आउ अधघंटा छाड़ीदेवि मैरिनेट करने कड़े मुखापाखि 1.5 ग्राम तेल नेली तापर गोटा गरम मसला को लो कर दे कि आंच को से छाड़ीदेवी कहीं पोड़ गरम मसला पोड़गले तार स्मेल आ रही ना मन रखु। एवं लंबा लंबा कटा हो पिज को मुझे तेल पकेली एवं आंच को मीडियम करीडियम आंचरे पिज को भल भाव भाज पिज को पूरा डीप फ्राए करेंगे ना जो हाल्का बादामी रंग होरीगला भाया से टाइप आपड़ फ्राए करेंगे। बोथ साइड मैनेज करने आलू को आउ गोटे कड़े फ्राए करुच्ची पिज टी रेड हो ब्राउन कलर बादामी कलर हो आसाणी से लंका गुंड पकईकि फ्राए कली आंच मन रखे लो करेंगे कारण लंका गुंड पोड़ मदा रसुण और पिजर जो कंचा लंका पेस्ट था पकईदेली हाल्का टी पा देवी पा देलापर ताकू फ्राए करी एवं फ्राए कलापर से मुझे हलदी हलदी मुझ आगु पकई मटन में हलदी देखी तेनाली देखिक अनुमान करी एवं तापर मुझे आउ गोटे चामच बड़ फुल चामच मुझे धनिया पाउडर टी पकली मो स्टाइल मुझे मटन में जीरा कम पकाए आउ धनिया पाउडर सफिसीएंट मुझे पकाए एवं कलर लंका पकईकि मसला को भल भाव कलर आसापी मुझे आट्राक्टिव करने कलर लंका पकईली यूज कली आप चाहिए यहाँ अप्सनाल करेंगे। देखो मसला जो लग जाए सैड्रु आप अल्प टी पा देखिए भल भाव फ्राए करेंगे ना लगे तार टेस्ट ही नष्ट मसलार एवं मसलार तेल बाहर पर्यटन आम फ्राए करवा एवं देखूँ भल भाव केमती कलर आसीगला बढ़िया कलर आट्राक्टिव कलर एपड़ एवं टमाटो टी पकेबा प्रायत तो मटन में बहुत जन टमाटो यूज करती मुँह भी यूज कैन कि मसलार टी से जो कड़ा अंश को काटापी मुझे हाल्का छोट गोटे फाड़ कम टमाटो को काटिकी मुझे पकई तापर से जो आम फ्राए होता आम आलू को आलूटा को आम फ्राए काढ़ बाहर रखिदबा एवं से आलू को से मसला सहित मटन सहित मिसे के फ्राए करवा। फ्राए कर सारापर देखते एमतिया तेल उपरको आप देखिए जानवे जो मसलाटा आप प्रॉपर्ली फ्राए हैला एवं आपण टाइम आसला मटन पकई कसबे तो मटन कसला बेलू आपन को टिके हल्का आप अल्प पा देते कारण कसला बेलू टी आम मीडियम रू टे हाई आंच दे कि आम कस पड़े कारण लो रे कले ही तार मसला सहित मटन रिच्छी फ्लेवर ही से रोन तेनालीरें हाई करवा जो तलू न लगवापी अल्प पा दे कि कसबे एमती कसं धीरे धीरे मुझ कौन कर चर्बी मिसेनि चर्बीटा को अलग रखी कारण चर्बी की जब मटन आ मसला सहित आम कड़े हाई आंच कर कसीदा तो चर्बीटा कौन पूरा तेल सहित मेल्ट हो तेणु मुझ मसला सहित मटन कसीगला मटन भितर जो वाटर अंशटा टी कमी कमी आसलापर मुझे नेक्स्ट पकईवी आम चबी पकईवी एवं अल्प मुझे मसलार लुण दे नी एवं अल्प लुण पकईली बालान्स करने मसला को एवं मसला सहित मटन को भल भाव कसलापर आम रुचि मीट मसला पकईद पकई कि धीरे धीरे कि कसवा मुझे गोटे चामच मीट मसला यूज कर
मटन कषि हो आसला चर्बी को पकई अल्प किसी समय मटन सहित से चर्बी को भल भाव कषिनेबी एवं यापर मु आलू भी पकई फ्राए करे मसला सहित मटन एवं भल भाव कषिगला एवं ताको आम प्रेसर को नहीं जा प्रेसर में हाफ कप अल भली पानी नहीं कहीं तलू हिट अच्छी पानी नदे जदि मो मटन पकाउँ धीरे धीरे से तलू लगिजी आ पोड़गला भाया हम से मुझे मटन पकईदेली एवं मोर जी क्वांटिटी पा दरकार मुझे आपण मैंने चाहिए कसा टाइप रि कर जेहेटे मटन रोल करुचे मुझे से मटन झोलपाई मुझे पा दे गरम भात आम मटन झोल है सफिसीयंट तो ये यहाँ छोट खासी से मुझे गोटे सीटी मुझे बेसी देनी गरम मसला गुंड कर रखुच्छे प्रिपेरेसन पर पकईबी जो सीटी बाहर बड़ अलच गुजराती आम रहा डालचीनी को गुंड कर रखी मुझे मटन हो सारापर ताक पकईदेली देखु मटन सीझीगला सुंदर देख चर्बीटा भी मेल्ट होनी देखिपे देसी खासी मांसर झोल एमती रेसीपी देखी आपण मटर लाल निहाती गड़ू जदि मोर रेसीपीटी भल लगला तेल निहाती भाव में आप सब्सक्राइब लाइक।